बेलापुर गांव में पतलू अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। पतलू उनकी इकलौती बेटी थी जिन्हें उसके माता पिता ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। पतलू अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। मोटू भी बेलापुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। मोटू की एक छोटी बहन थी। अपने माँ बाप के बस ये दो बच्चे थे। मोटू अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका था और ये एक कॉलेज में लेक्चरर था। पतलू और मोटू दोनों कज़न थे, दोनों का घर साथ साथ था। अरे आंटी, पतलू कहाँ है? बेटा वो अपने रूम में आराम कर रही है। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? तुम पहले मुझे ये बताओ, आज तो भाई ने टेस्ट लेना था ना तुमसे, आज तुम क्यों नहीं आई? वो मेरे पेट में दर्द था इसलिए नहीं आई मैं। पतलू अपने कज़न मोटू के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। इसी तरीके से समय गुजर रहा था। एक दिन पतलू जब 10 बजे तक सो रही थी तो इतने में फ़ोन आ जाता है। अरे पतलू, तो आज कॉलेज क्यों नहीं आई? तुझे पता है इंग्लिश में तो फेल हो गई है। अरे अरे क्या कह रही है तू, मैं इंग्लिश में कैसे फेल हो गई? बस मैंने तुझे बताना था, बता दिया है कि तू फेल है। पतलू अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती थी, इसी वजह से वो अपने कज़न के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहाँ पर भी वो दिल लगा कर नहीं पढ़ती थी और फिर वो इंग्लिश में फेल हो जाती है। पतलू फेल होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसी तरीके से शाम हो जाती है। अरे पतलू ने तो आज सुबह नाश्ता नहीं किया, ना ही लंच किया है। मैं जाती हूँ, देखती हूँ सुबह से क्यों अपने रूम में बंद है वो। जब पतलू के मारों में जाती है तो पतलू वहाँ नहीं होती। उसे एक लेटर लिखा हुआ मिलता है। प्यारी माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं चांद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ, ये और बात है कि वो सिगरेट पीता है, शराब भी पीता है, लेकिन मैं जल्द उसकी आदत छुड़ा दूँगी। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं जल्द ही अपना बच्चा लेकर वापस आऊँगी। अपना ख्याल रखना, आपकी प्यारी बेटी पतलू। पतलू की माँ आगे पढ़ती है। मुझे आपको बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इंग्लिश के पेपर में फेल हो गई हूँ। अगर आप मुझे ना मारो तो मैं बैठ के नीचे से निकल आती हूँ। पतलू, मैं तुझे कह रही हूँ निकल बाहर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। ये कौन सा तरीका है तेरा बताने का कि तू फेल हो चुकी है? तू सीधे तरीके से भी बता सकती थी। अरे माँ, अब आप गुस्सा ना करो। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मुझे नहीं मारोगी। तो बेटा आप दिल लगा कर पढ़ती ना। माँ मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं बस नहीं पढ़ूंगी आगे, अब मैंने बता दिया है आपको। अजी सुनते हैं आप, दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको नहीं लगता कि अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए? हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। उसके बाद मोटू की माँ पतलू की माँ के घर जाती है और दोनों बच्चों की शादी की बात करती है। दरअसल दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था और इस बात का इल्म दोनों बच्चों को नहीं था। पतलू बेटा, हम तेरी शादी कर रहे हैं मोटू के साथ। अरे माँ नहीं, मैं उस सड़े हुए करेले से कभी शादी नहीं करूँगी। तो या तो स्टडी कर या फिर शादी कर। माँ प्लीज़। अरे माँ आप। हाँ बेटा, दरअसल तेरा और पतलू का बचपन में रिश्ता तय कर दिया था, तो अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। माँ आपने सोच भी कैसे लिया, मैं उस नालायक से शादी करूँगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। माँ आपको पता है कि वो इंग्लिश में फेल हो गई है। आप यहाँ क्यों आए हैं? बात सुनो, मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है तुम्हारी ये शक्ल देखने का। मैं ये कहना आया हूँ कि शादी से इनकार कर दो। मैं नहीं करने वाली इनकार, अगर इनकार करना है तो खुद कर दो। वो दोनों बहुत बहस करते हैं और फिर मोटू घर वापस आ जाता है। इसी तरीके से समय गुजरने लगता है और आखिरकार उनकी मेहंदी का दिन भी आ जाता है। मैंने तुमसे कहा था कि इनकार करना, लेकिन तुमने इनकार नहीं किया। अब तुम अपना हश्र देखना मैं क्या करता हूँ। मैं क्यों करूं इनकार? इनकार करना है तो आप कर दो। हाँ तुम क्यों करोगी इनकार, तुम्हें इतना हैंडसम पढ़ा लिखा लड़का जो मिल रहा है। अरे देखो तो, जनाब ने खुशफहमियों में डिप्लोमा किया है और तुमने बदतमीजी में PhD कर रखी है। और फिर दोनों बहस करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं इस नालायक लड़की से शादी करता हूँ या नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके। अरे सुनिए, एक प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ज्यादा ब्यूटीफुल ये जनाब है या फिर पतलू।